बिहार चुनाव में सभी पार्टियां वादे पर वादे कर रही है। इस बार रोजगार के मामले में मौजूदा सत्ताधारी दल की विपक्षी पार्टियां विषाद बिछाने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने जनता से 10 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया है। यही आवाज तेजस्वी के हर एक रैली में सुनाई भी देता है। रोजगार रोजगार इस शोर में खेती किसानी और किसान न जाने कहां गायब हो गए, जबकि राज्य का 49% वर्क फोर्स खेती में ही लगा हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद यह पांचवा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं। आरजेडी समेत लगभग सभी पार्टियों ने रोजगार को तो अपने मैनिफेस्टो में प्रमुखता दी थी, लेकिन किसानों को खास जगह नहीं मिली। मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र की तरह कर्ज माफी भी यहां चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है। एक सर्वे के मुताबिक ग्रामीण बिहार में लोगों के पास औसतन 0.242 हेक्टेयर जमीन, जो कि 29 राज्यों में चौथा सबसे कम। 1951 से 1990 तक बिहार में कृषि से संबंधित क्षेत्र में केंद्र सरकार ने 172 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किए थे। इसी समय में पंजाब ने 594 रुपये खर्च किए थे। कृषि एक ऐसा सोर्स है जो किसी राज्य का आंतरिक सोर्स कहा जाता है। 1999 से लेकर 2000 में बिहार सरकार आंतरिक सोर्स से 1982 करोड़ रुपये ही जुटा सकी। वहीं आंध्र प्रदेश की आमदनी 6000 करोड़ हुआ करती थी। ऐसे में कहा जाता है कि कृषि को नज़रअंदाज किया गया और इसके परिणाम सामने हैं। इस बदलते रुख की वजह से किसानों का मुद्दा बिहार चुनाव से गायब है।